अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मौसम की थोड़ी चेंजिंग की वजह से, जैसा कि मौसम में बारिशों की वजह से थोड़ा सा चेंज आया है, तो नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है। और जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको DHA के बारे में छोटे छोटे क्लिप्स में ही आपको मैं इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूँ, जैसे M सेक्टर हो गया और फर्दर जैसे छोटे छोटे, क्योंकि DHA बहुत बड़ा एक व्लॉग में नहीं ईयर जैसा हो सकता। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कुछ रेजिडेंशियल, कुछ घर, कुछ आउटलुक्स, कुछ ये वो ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ तक मेरे से हुआ, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, आज मैं आपको DHA में, बेसिकली जब DHA के मेन गेट से हम इंटर होते हैं, तो लेफ्ट साइड पे द अरीना होटल के बाद जो अस्क्री फेज 3 आता है, अस्क्री 1 और 2 कैंट में है, और अस्क्री 3 DHA में मेन गेट बोसन रोड से जब जैसे ही एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे द अरीना होटल है। उसके बाद आपको जो क्वार्टर्स में क्वार्टर मिलते हैं अस्क्री 3 के नेम से, ठीक है जी, और राइट साइड पे आपको DHA विलाज मिलते हैं, जो कि DHA के विलाज हैं, जो कि 9 मरला 5 मरला 12 मरला पे मुश्तमिल हैं, और ऐसे ही कटिंग उनकी हुई हुई है, ठीक है जी। और इसमें से इनकी आउटलुक्स ये सारे DHA ने दिए हुए हैं, और DHA ने दिए हुए हैं सारे ब्लॉग्स DHA, और DHA खुद इसकी रेजिडेंशियल आगे देता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। और उनके डिफरेंट रेट होते हैं, इसके 3 दरवाजे हैं, मेन होता है एक, और इसकी पार्क है, प्लस इसकी मस्जिद है बड़ी, और इसके ग्रीन बेल्ट्स हैं। ग्रीन बेल्ट कहते हैं बेसिकली घर के आगे एक एरिया होता है मखसूस, यानी कि ये जहाँ पे सूटेबल लगे, वो एक बेल्ट की तरह एक एरिया होता है, जिसके अंदर आप, यानी कि इजी वो एक ग्रीनरी होती है, बंदा बैठता है, एंजॉय करता है, खाता पीता है, घर के सामने होता है, ठीक है जी। और फर्दर इसके पार्क्स हैं, और आज मैं निकला हुआ था इस तरफ, तो मैंने कहा चले आपको मैं इस चीज़ की भी एक व्लॉग बना देता हूँ। इसके मैं इसमें जस्ट आपको आउटलुक ही दिखाऊंगा घरों की और रोड्स की, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी प्लेस है ये। चले स्टार्ट करते हैं।